दनकौर के ऐतिहासिक दंगल में निर्णायक कुश्ती जो 125 किलोग्राम और 96 किलोग्राम की हुई, उसमें 96 किलोग्राम की कुश्ती भीम यादव ने जीती। उनके और अभयराज अहलावत के बीच ये बड़ी शानदार कुश्ती हुई। अभयराज अहलावत पहले से ही इस दंगल में खेलते आए हैं। बड़ी बेहतरीन कुश्ती हुई। इसी सिलसिले में हमने इस कुश्ती के विजेता भीम यादव और अभयराज दोनों से ख़ास बातचीत भी की। देखें पूरी कुश्ती और ख़ास बातचीत भीम यादव जी और अहलावत जी से। भीम यादव जी, आपने यहाँ दंगल जहाँ हजारों लोग मौजूद थे वहाँ पर दंगल लड़ा और इनामी कुश्ती भी जीती है, यहाँ के बारे में अखाड़े के बारे में क्या कहेंगे जी? यहाँ पे आके तो पहली बार दंगल आया मैं, और पहली बार में मुझे बहुत अच्छा लगा आके और जीत के बहुत खुशी हुई यहाँ पे पहली बार आज। और इसका सारा श्रेय अपने गुरुजनों माता पिता को देना चाहता हूँ मैं। ये हमारे कोच साहब हैं, ये भी मेहनत कराते रहते हैं हमारे गुरु हनुमान अखाड़े में। और भी कोच साहब हैं, महासिंह कोच साहब हैं, राजीव तोमर जी हैं, और भी कई कोच हैं हमारे पे जो हमारे ऊपर ध्यान देते रहते हैं, तो उन्हीं की सारी मेहनत है और हमारी मेहनत है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने भी देखी जी। तो क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो यही है कि हर जगह जहाँ लड़े वहाँ फर्स्ट आते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपना अखाड़े का नाम रोशन करते रहें। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद जी। बेहतरीन कुश्ती लड़ी दनकौर के दंगल में, क्या कहेंगे आप? देखिए कुर्सी निकल जी, आपने एक ऐतिहासिक दंगल दनकौर का दंगल वहाँ पर कुश्ती लड़ी, बड़ी बेहतरीन कुश्ती लड़ी आपने, लोगों ने तालियां बजाई, तो क्या कहेंगे दंगल के बारे में और अपने बारे में? बस जी, कुश्ती का स्थिति ठीक रही, पर जी आज पूरी मैं अपनी फॉर्म में नहीं था जी, मेरा दिन नहीं था जी आज का। मैं कई कुश्ती जी खराब सी भी हुई जी, पर फाइनल तक मैं जा पाया और जी बस फाइनल में भी कुश्ती मेरी खराब ही होगी जी। ये तो विजय और पराजय ये तो खेल का एक अंग होता है, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि यहाँ आकर कैसा लगा? बस जी यहाँ तो जी हर बार, मैं पिछली बार भी आया था जी यहाँ, पिछली बार भी मैं सेकंड आया था जी यहाँ, जब भी मुझे 31,000 रुपये मिले गए, अब मैं भी अब कह जी मैं सेकंड आया हूँ, 21,000 रुपये मिले जी। जो ये दंगल बहुत अच्छा करवा है जी, हर बार, पिछली बार भी, अब की बार भी, मैट का दंगल जी, मैट से आगे बढ़ेंगे जी, मैट से ही नौकरी मिलेगी जी, सब अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा लगा जी यहाँ पे। अच्छा, जो कामयाबी है आपकी इसका श्रेय किसे देंगे? मैं जी, मेरे कोच हैं जी खाड़े में जी, पिताजी आ रहे जी के, ये मेरी साथ लगे रहे हैं जी, और खवाएं पियाएं मुझे, प्रैक्टिस करवाएं मेरी, और जी बस साथ ही जन बस जी, सब इन यही सब हैं जी सब। कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद।